हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं टीआई प्लाजिड पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने वेक्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में, वेक्टर यीस्ट के रिस्पेक्ट में, वेक्टर हम पढ़े थे प्लांट के रिस्पेक्ट में और एनिमल के रिस्पेक्ट में। जो एनसीईआरटी में जो मेन घूम फिर के आता था, उसमें से PBR 322 था, जिसको मैंने समझा दिया था। इनके अलावा जितने भी वैक्टर यूज़ होते हैं, सबका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप लोगों को नीट के लिए दो वेक्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो था PBR 322, ठीक है, दूसरा वायरल बेस्ड था, जिसमें लैम्डा फेस का था, वो बता दिया था मैंने कितनी कितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बहुत है टीआई प्लाज्मिड। ये आपके बुक में टर्म्स आपको यूज़ मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये बुक में उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो इसको हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि हम प्लांट के रिस्पेक्ट में वेक्टर हम दो कैटेगरी का पढ़े थे। एक पढ़े थे वायरस बेस्ड, ठीक है, या वायरल डीएनए बेस्ड बोल सकता हूँ, और दूसरा पढ़े थे हम टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, ये दो पढ़े थे आप। तो इसमें से हम टीआई प्लाज्मिड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और आरआई प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। सिलेबस में टीआई प्लाज्मिड है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा टीआई प्लाज्मिड है। देखिए, टीआई प्लाज्मिड जो है किसमें पाया जाता है, प्लाज्मिड सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि बैक्टीरिया में पाया जाता होगा, है ना। हले कुछ यीस्ट में भी प्लाज्मिड पाए जाते हैं। अब लेकिन हम टीआई प्लाज्मिड की बात करेंगे ना, तो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, जो दोनों प्लांट में वैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, दोनों के दोनों एग्रो बैक्टीरियम स्पीसीज में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एग्रो बैक्टीरियम स्पीसीज में पाए जाते हैं। देखिए, एग्रो बैक्टीरियम जो है वो है क्या एक्चुअल में। एग्रो बैक्टीरियम स्पीसीज में जो आप पढ़ रहे थे ना, इसमें टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है, वो एक्चुअल में एक ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और उनके कुछ कॉमन स्पीसीज जो हैं वो है टूमेफेसिन और राइजोजिन्स, ठीक है। टूमेफेसिन जो होते हैं उसमें टीआई प्लाज्मिड पाए जाते हैं, और राइजोजिन के लिए हम पढ़ते हैं आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब हम आते हैं टूमेफेसिन वाले में। एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिन वाले क्या केस है, उसमें देखो वो क्या होता है ना, सॉइल बैक्टीरिया है ना, मिट्टी में रहता है। तो क्या होता है कि अगर मान लो किसी पेड़ में कुछ कट गया, कुछ चोट लग गया मान लो, है ना, तो ये बैक्टीरिया जो है कौन, एग्रोटूमेफेसिन, उस प्लांट के उस चोट वाले एरिया के पास जाकर वहाँ पर इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन ऐसा होगा कि बैक्टीरिया से जो उनका जो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, उसमें एक डीएनए पाया जाता है, एक स्पेशल डीएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल डीएनए, ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं। ट्रांसफर डीएनए क्यों बोलते हैं, क्यों ट्रांसफर हो सकता है। तो इस टीआई प्लाज्मिड से वो ट्रांसफर डीएनए निकलता है और जाके प्लांट के न्यूक्लियर जीनोम में घुस जाता है। वहाँ जाने के बाद उससे इंटीग्रेट होकर इसके पास जो जीन होते हैं टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए में जो जीन होते हैं, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस जगह पे कंटिन्यूस ग्रोथ कराना चालू कर देता है। तो एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है, ठीक है, इसलिए ये नॉलेज में है। आप कभी नोटिस किए होंगे कि डाइकॉट प्लांट्स पेड़ में, अगर आप ऐसे देखे होंगे, मान लो ये पेड़ है कोई, है ना, उसका किसी एरिया पे जहाँ पे चोट लगा हुआ एरिया में देखना, आपका भी एक ऐसा गोल सा ऐसे स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपको अलग से लगेगा कि ये नेचुरली प्लांट ऐसा ग्रोथ तो किया नहीं रहा होगा, है ना। इस टाइप से आपको ये जो दिख रहा है ना एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उस कटे हुए जगह पे एक अलग से आपको ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर से प्लांट में देख रहे होंगे आप, थोड़ा अजीब से निकला हुआ, है ना, इसको हम क्राउन गार्ड डिसीज कहते हैं, ठीक है। देखो, प्लांट के रिस्पेक्ट में इसको बहुत ज़्यादा से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है, सिर्फ उस जगह पे एक ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो ये देखिए, ये जो उभरा हुआ जो जगह है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, क्राउन गॉल डिसीज, वही है क्राउन गॉल डिसीज, ठीक है। अब देखते हैं सीधा सीधा कि इस वेक्टर में होता क्या है, मतलब सीधी बात है टीआई प्लाज्मिड में होता क्या है, ये देखेंगे हम। देखिए, वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप लोग को कुछ चीज़ तो मालूम होगा, जैसे कॉमन चीज़ें हम बताए थे कि वेक्टर में कुछ चीज़ होना कंपलसरी, जैसे कि क्या, ओरिजिन, ORI याद है, जो उसको रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, तो आपको वो वाला पॉइंट दिखाना होगा। मैंने यहाँ पे रेड कलर में बना दिया है, ठीक है, ये ओरिजिन है,
और इस टीआई प्लाज्मिड की जो सबसे मेन खासियत है वो क्या है, वो है इसका टीडीएनए। ठीक है, तो उस टीडीएनए को ही बना देते हैं, तो सब मान लेते हैं कि ये टीडीएनए वाला पार्ट है ये। ठीक है, ये टीडीएनए वाला पार्ट है। तो ये वाला जो सेगमेंट हो क्या है, टीडीएनए है। टीडीएनए के दोनों तरफ एक बॉर्डर सीक्वेंस होगा जहां से वो कटिंग होता है। ठीक है, ये उसका पहचान है, समझ लो यहीं से कटिंग होना है। तो ये टीडीएनए और उसके दोनों साइड में एक लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस होगा और एक राइट बॉर्डर सीक्वेंस होगा। ठीक, अब इसके अलावा टीआई प्लाज्मिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था वीर जीन, VIR, यानी कि वायरलेंस जीन्स। क्यों इंपॉर्टेंट था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जो टीडीएनए है ना, ये इसको यहाँ से कटिंग कर, ठीक, यहाँ से कट करके इसको किसके प्लांट के न्यूक्लियस तक पहुँचाने का काम जो करवाने वाला है, ठीक है, वो कौन है, वायरलेंस जीन। उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो ऐसे एंजाइम और प्रोटीन बनाएंगे जो इनसे बाइंड करके इसको कटिंग करके न्यूक्लियस तक छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया क्या, वायरलेंस रीजन, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, वायरलेंस जीन भी बोलते हैं वीर। ये देखिए, ये इनके बहुत सारे क्लास हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, A, B, C, D ऐसे करके बहुत सारे इनके क्लास हैं जो सब अलग अलग काम करते हैं। कोई इंडो न्यूक्लियस का काम करेगा, कोई हेलिकेज का काम करेगा, ठीक है, कोई बाइंडिंग प्रोटीन होगा, मतलब टीडीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होगा, और उनको कहाँ तक ले जाएंगे, न्यूक्लियस तक ले जाने में मदद करेंगे। तो ये वीर जीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब इनके क्लासेस को आपको जाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में सिर्फ टीआई प्लाज्मिड बोल के दिया गया है, मैं जो बता रहा हूँ वो तो दिया ही नहीं है। इसलिए आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वीर जीन होता है जो इस टीडीएनए को क्या करता है, ट्रांसफर कराता है। देखिए, आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे आप, तो प्लांट के केस में जितने भी आप बोल सकते हो कि जो मेन आप ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए थे उनके लिए हम टीआई प्लाज्मिड यूज़ किए थे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ और इसलिए आपको जानना जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम मान लेते हैं ये वेक्टर है ना, मान लेते हैं क्या वेक्टर तो है ये, तो हम अपना डिज़ायर जीन किस में डालेंगे। मान लेते हैं कि मैं कोई प्लांट में कोई प्रोटीन बनाना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत काम के होंगे, ठीक है, तो उस प्रोटीन का जीन मैं कहाँ पर डालूँ, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, प्लांट के साथ इंटीग्रेट कौन होने वाला है, टीडीएनए ना, तो आप इसी टीडीएनए में कट करके अपना डिज़ायर जीन को क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। और जब हम इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे वापस, है ना, अब डिज़ाइन करके, तो और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करवाएंगे हमारे डिज़ायर टिश्यूज़ में या सेल में, तो वहाँ ये टीडीएनए निकल कर चला जाएगा, तो साथ में आपका डिज़ायर जीन भी क्या होगा, चला जाएगा। ऐसा है ये। अगर हम इस टीडीएनए को निकाल के देखूँ तो इसमें प्लांट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे ऑक्सिन, ग्रोथ हार्मोन पढ़े हैं आपने 11th क्लास में, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन, ठीक है, ये जो मेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, इनके जीन किसके पास थे, टीडीएनए के पास थे। यही कारण था कि जब ये टीडीएनए को इस वायरलेंस जीन के प्रोडक्ट न्यूक्लियस तक पहुँचाते हैं प्लांट के, तो वहाँ पे ही इनके ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उस जगह पे लगातार ग्रोथ होता है। कि आप याद होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन कंटिन्यूस सेल डिवीजन करवाता है, इसलिए वहाँ पे आपको जो ये क्रॉन गाल है ना डिसीज़ बन रहा था उस जगह पे, इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन पहुँच गए थे, ठीक है, किसके थ्रू पहुँच गए थे, टीडीएनए के थ्रू पहुँच गए थे, है ना। अब देखिए, अब हमको तो क्राउन गाल डिसीज नहीं करवाना है, हमको तो एक वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है ना, तो जब आप डिज़ायर जीन डालेंगे ना, तो इन्हीं जगह पे कट करके आप डाल देंगे, मतलब मैं इंडो न्यूक्लियस यूज़ करूँगा, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, और इन जगह पे ऐसे यहाँ से कटिंग करके यहाँ पे अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट कर दूंगा मैं। मुझे ये ऑक्सिन, ओपाइन, साइटोकाइनिन, ये सब जीन देने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो अपने डिज़ायर जीन देना है ना प्लांट को, तो यहीं से अपन कट करेंगे। हम ऐसा डिज़ाइन कर लेंगे पहले से, उसके बाद इसको अटैच कर देंगे वेक्टर में टीआई प्लाज्मिड में, और उसके बाद इस टीआई प्लाज्मिड को कहाँ घुसा देंगे, उस बैक्टीरिया के अंदर घुसा देंगे, उसके बाद उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हम प्लांट में करवा देंगे। इस प्रकार से हम ये यूज़ कर पाएंगे, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की चीज़ समझ आ गया होगा कि टीआई प्लाज्मिड कैसे काम करता है। इस डायग्राम को देखिए आप, इसमें दिखा रहा है कि ये एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिन है, ठीक है, और ये प्लांट है। इन दोनों के बीच क्या हुआ है, कॉन्जुगेशन हुआ है। जब आप लोग को हम मोनेरा पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कॉन्जुगेशन। हालांकि कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जाति विशेष। एक जात का एक जात के साथ ही होगा, दूसरे जात के साथ नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन बताया था मैं आप लोग को, क्या क्या था वो एक्सेप्शन, वो था एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिन ऑफ प्लांट, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिन एंड प्लांट सेल के बीच में। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है कैसा हो रहा है, वो नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है, इस मैनर में हो रहा है ना, याद रखना आप, ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है बल्कि नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, बस इतना भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन है तो कॉन्जुगेशन ही है, ठीक है। तो याद रखना किस माध्यम से वहाँ पे ट्रांसफर डीएनए जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्जुगेट हुए हैं। देख रहा है आप लोग को, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है ये इस तरफ, और ये एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिन है। अब ये देखिए, ये जीन जो आपका टी डीएनए था, ठीक है, ये टी डीएनए वाला पार्ट है, तो ये टी डीएनए को ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा है, यहाँ पे जो वायरलेंस जीन जो था ना उसका प्रोडक्ट, कौन से जीन का प्रोडक्ट, मान लो यहाँ पे वायरलेंस जीन था तो उसका प्रोडक्ट प्रोटीन जो है वो इससे बाइंड करके इसको क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, न्यूक्लियस में ले जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, सिंगल स्टैंड को ले जाते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, किसको इंसर्ट कर दिया, प्लांट के इस टी डी एन एल पार्ट को, है ना। सोचिए अगर आपका डिजायर जीन होता इसमें तो वो भी प्लांट के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता, और एक बार न्यूक्लियस में चला गया तो न्यूक्लियस में जाने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके आरएनए का ट्रांसलेशन भी होगा, तो प्रोटीन वहाँ पे बनेगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का जो मेन वेक्टर वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल। क्यों, अब समझ लीजिए क्यों पढ़ना जरूरी है। ये देखो, अभी तक क्या कर रहे थे आप, आपने एक वेक्टर डिज़ाइन किया था जिसमें आपने अपना डिजायर जीन को एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, उसमें अटैच कर दिया था। लेकिन भाई आपने तो डिज़ाइन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया आपने, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसको एक बैक्टीरिया या प्लांट सेल या जिसके भी अंदर आपको डालना चाहते हैं इसको इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो ये इंसर्ट कराने का मेथड क्या क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।